This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, Vienna PU College, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. Dam kitna daman mein tere dekh liya hai dekhenge, jagah hai kitni jail mein tere dekh liya hai dekhenge. Aap hame jail mein dalo. आप जो कर सकते हैं करो, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो हिटलर का गवर्नमेंट है, उन्होंने नंगे हो रहे दिन ब दिन, उन्होंने तो वोट लिए है लोगों से, उन्होंने बात करती है डेमोक्रेसी का, मगर उन्होंने डेमोक्रेसी का सत्ता नहीं चलाते। कॉर्पोरेट को पैसे वाले बनाने वाला और गरीब को भिखारी बनाने वाले ये लॉस है। एक तरफ है अदानी अंबानी मोहन भागवत नरेंद्र मोदी अमित शाह, और दूसरी तरफ है इस देश का पूरे आम लोग, किसान मजदूर यूथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महिला सब लोग एक तरफ है। जंग तो शुरू हो गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहर गुलबर्गा में गुलबर्गा यूथ फॉर्म की जानिब से एक दिन का धरना, एक दिन का सत्याग्रह, एक दिन का हंगर स्ट्राइक रखा गया है, जिसकी वजह जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे किसानों के ऊपर जो तीन काले बिल लेकर आई, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल लेकर आकर अपने अडानी अंबानी को जो फायदा पहुंचाने की सरकार जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ यहाँ पे धरना रखा गया है। साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट में जो काउ स्लॉटर बिल लेकर आया गया, जो बताया जा रहा है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, उस पर रोशनी डालने के लिए, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये बिल भी किसानों के खिलाफ है, ये बिल भी पूरी आम जनता के खिलाफ है, ये बिल भी उसी तरीके से नुकसान करेगा जिस तरीके से नोटबंदी ने किया, जिस तरीके से GST ने किया, उसी तरीके से ये बिल भी जनता को परेशान करना, क्योंकि BJP ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉलो, उनके रूल्स को फॉलो कर रही है। गरीब को और गरीब करो, गरीब को और गरीब करो, अमीर को और अमीर करो, ताकि गरीब अपने भूख खाना कपड़ा लत्ता घर के परेशानी में उलझा रहे, सरकार से कोई आकर सवाल ना करे। तो आज जितने भी मेरे साथी हंगर स्ट्राइक पे यहाँ बैठे हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, क्योंकि कल हम आपके मीडिया के द्वारा, आपके मीडिया के ज़रिए से आकर लाइव ये बताए थे कि हमारा ये प्रोटेस्ट हागर का क्रॉस पे किया जा रहा है, क्योंकि 8 दिन पहले हम लोगों ने बैठकर मीटिंग की थी कि हागर का चौक सबसे बड़ा चौक है रिंग रोड पर, वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे तो किसी ट्रैफिक का मसला नहीं होगा, आम पब्लिक परेशान नहीं होगी, हम एक तरफ बैठ के प्रोटेस्ट करने वाले थे। जैसे ही हमने वो बाइट दिया तो ये पावर वाले लोग, ये BJP ये कांग्रेस वाले नेता, उनको चुरका लग गया, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर वहाँ हमें प्रोटेस्ट करने से रोका गया, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, हमें प्रोटेस्ट करना था, हमने वहाँ से शिफ्ट कर शाहीन बाग में आज हमारे प्रोटेस्ट रखा। मैं उन लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 दिन में हागरगा चौक पर उसी जगह पर, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, हमने JCP को लगा के उसको साफ करवाया, क्योंकि आप वो भी काम नहीं कर रहे हैं, हम उसी चौक पर उसी जगह पे इंशाल्लाह आने वाले 2 दिन में फिर से प्रोटेस्ट कर बताएंगे। आप जो करना है कर लो, दम में कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। आप हमें जेल में डालो, आप जो कर सकते हैं करो, हम वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक इस देश में इंसाफ नहीं मिलता सभी लोगों को, जब तक इस देश का सत्ता जनता विरोधी कानून लाते हैं, तब तक इस देश में आंदोलन रहती है, लोग आंदोलन करते हैं। विरोध करने वाले आप कौन होते हैं, इसका मैं कड़ी विरोध करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये आग्रह करती हूँ कि भारत देश का जो नरेंद्र मोदी अदानी, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने अदानी अंबानी का सत्ता चला रहे हैं, ये प्रजाप्रभुत्व का सत्ता नहीं है। हमारे देश का प्रधानी तो मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो चौकीदार बन गया अदानी अंबानी का। हमारे देश का सत्ता के ऊपर की पीछे के दरवाजे से आकर बैठे हैं अदानी अंबानी। बिटा है कौन,
देशवासी लोग ये समझ लेना जरूरी है। कौन बिटा ये है? बिटा ये है इस देश का जो विरोधी कानून लाने के लिए और इस देश का विरोधी का जो सांस्कृतिक परंपरा ला रहे हैं वो है आरएसएस। मोहन भागवत, आरएसएस ने अदानी अंबानी को इस देश के सत्ता के ऊपर बिठाए है। ये तो हिटलर का गवर्नमेंट है। उन्होंने नंगे हो रही दिन ब दिन, उन्होंने तो वोट लिए हैं लोगों से, उन्होंने बात करते हैं डेमोक्रेसी का, मगर उन्होंने डेमोक्रेसी का सत्ता नहीं चलाते हैं। हमें दूसरी आज़ादी लड़ाई जैसा हमें लड़ना जरूरी है, जैसा पूरा पंजाब से लड़ रहे, हरियाणा से लड़ रहे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लड़ रहे, महाराष्ट्र से किसान गए हैं, केरला से किसान गए हैं, कर्नाटक से भी किसान जा रहे हैं, पूरा देश भर में दूसरी आज़ादी लड़ाई शुरू होती है कि अब तो जंग शुरू हो गया। एक तरफ है अदानी अंबानी, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और दूसरी तरफ है इस देश का पूरे आम लोग, किसान, मजदूर, यूथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, सब लोग एक तरफ है, भारत देश एक तरफ है, एक कॉर्पोरेट लूटी करने वाले लोग एक तरफ है। जंग तो शुरू हो गया, फलितांश तो आगे है कि लोगों के तरफ फलितांश आएगा, इसका रिजल्ट तो लोगों के तरफ आएगा, तो लड़ाई शुरू हो गया। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो बोता है, जो पेरता है, जो हम लोग को खाना देता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। और ये जो भी कॉरपोरेट, ये जो है एंटी फार्मर एक्ट है, एंटी पीपल एक्ट है, और एंटी ये जो है प्रो कॉरपोरेट एक्ट है, जो कॉरपोरेट को पैसे वाले बनाने वाला और गरीब को भिखारी बनाने वाले ये लॉस हैं। जैसे कि ब्रीफली मैं बताऊँगा, फॉर्म्स एक्ट हैं, जो पहला जो है प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कॉमर्स एक्ट जो है उसमें एक है, और एक जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये एक्ट ऐसे हैं जो मिनिमम जो किसान जो एक कुंटल कुछ भी चावल राइस अपना उगाता है तो उसको मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, जो कि उसको पानी लगता है, उसके फर्टिलाइज़र लगता है, उसके सीड्स लगते हैं, उसको पेस्टिसाइड लगता है, फिर उसका डीजल का पेट्रोल का जो कॉस्ट होता है, उसके बाद जो है जब मार्केट में लाता है तो उसको मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए। जैसे कि उसको 100 रुपया उसके लिए कॉस्ट आता है, तो उसको जो हमारे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से उसको 150 रुपये मिलना चाहिए। जो फार्मूला है जो C2+ उसमें 50%, उससे क्या होता है अपना जो है 100 रुपया कॉस्ट होता है उसका, जो फर्टिलाइज़र सीड्स जो भी होता है, इसका 50% उसको प्रॉफिट जो है 150 रुपया उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मिंग जो है कॉर्पोरेट को बेचना है। जैसे कि आप जहाँ भी देखिए, आप कोई एक कुछ भी चीज़ देखिए, एक शुगर आप देखिए, यहाँ पर एक दुकानों में हम लोग तोल मोल कर सकते हैं, कुछ बार्गेनिंग कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में अगर क्या होता है कि उनके पैकेट में आएगा तो फिक्स्ड MRP रहेगा, उससे कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर महंगाई आसमान पे जाने लगेगी। जो पिछले जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, जो पिछले साल में तकरीबन 12,000 से किसान मर गए हैं, सुसाइड कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उनको कुछ कंपनसेशन दिला रही है? क्या उनका लोन माफ़ कर रही है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो भी अब हमारा यहाँ पर जो भी पावर कंपनी से प्राइवेट हो जाएंगे तो वो लोग डिसाइड करेंगे पर यूनिट। अब हम लोग को 6 रुपया पड़ रहा है कॉस्ट, हो सकता है वो 10 रुपये कॉस्ट करेंगे। तो यहाँ पर किसान को और इलेक्ट्रिसिटी 5 घंटे फ्री मिलती थी, अब वो फ्री मिलना भी बंद हो जाएगी। ये भी एक इंटरकनेक्टेड है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक कस्टमर से भी साथ अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गरीब ऑलरेडी अब रिसेशन है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी ये सब मसले हैं उसको दूर करने के बजाय BJP गवर्नमेंट फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ला रही है। आज हमारा सत्याग्रह का मकसद यही था कि किसानों के खिलाफ जो बिल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको वापस लिया जाए, और उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट, ये जो BJP नालायक गवर्नमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पर एक दो बिल ऐसे पास किए हैं जो हमारे किसानों के, वो भी किसानों के ही खिलाफ हैं। एंटी काउस लेटर बिल जो किसान को गाय बैल भैंस बेचने नहीं देता, वो लोग 13-13 साल तक पाल कर उसे कैसा संभालेंगे? आज किसान परेशान है, अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सक रहा, वैसे किसानों को ये 13 साल गाय पालने के लिए, बैल पालने के लिए कह रहे हैं, उसके वो बिल के खिलाफ भी हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं सत्याग्रह पर। ये दोनों बिल मैं नहीं समझता, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि ये दोनों बिल BJP ने ही नहीं लाया है, बल्कि अंबानी, अडानी और कॉरपोरेट सेक्शन ने ही बिल लाया है।
बीजेपी ने सिर्फ इसे पास करने का काम किया है। बीजेपी गवर्नमेंट ये देशभक्ति की बड़ी बात करती है, अगर इन आठ सालों में बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देशभक्ति का या देशहित का काम हो। और बीजेपी गवर्नमेंट ये समझ रही है कि उनके पास 303 MP है और वो अपनी मनमानी किसी तरीके से भी चला लेंगे। मैं इस धरने के जरिए, सत्याग्रह के जरिए मैं बीजेपी गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आप 303 नहीं बल्कि 542 MP भी हो जाएंगे तो डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर का जो संविधान है उसको उसके खिलाफ हम आपको जाने नहीं देंगे। एक तड़ाका जवाब देते हुए यहाँ पर अच्छे पैमाने पर एक एहतजाज हुआ, जिसका हमारा मकसद ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा तमाम हिंदुस्तानियों को अलग अलग तरह के काले कानून हमारे पर डालते हैं, इसके खिलाफ हम हमेशा से एहतजाज करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, BNRPU College, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry and by Orbis International School.